सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी का मॉक नंबर 14। ओके सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मॉक को। तो टाइम भी वैसे काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, लेकिन कोई नहीं, लगाएंगे। डेली का है लगाना, तो टाइम चाहे कुछ भी हो लगाएंगे। सो अभी सबसे पहले हमारी वही रीजनिंग तो करते हैं। इफ़ द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर इज ड्रॉप एंड द सेकंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, फॉलोइंग बिगेस्ट बताना है। 96 ये आ जाएगा, 169 ठीक है। इफ़ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर देन हाईएस्ट बताना है। तो 4 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इधर 4 आएगा। तो इन दोनों में से होगा 4, 5, 4, 6, इधर 4, 6, 8, 4 यही हो जाएगा हाईएस्ट। और क्या वन ही सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन हाउ मैनी सब स्केयर बताना है। तो ये भी नहीं होगा, 1 ये भी नहीं होगा, 5, 7, 3 ये भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा स्केयर जो है। ये फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इंटरचेंज विच ऑफ द फोन सेकेंड हाईएस्ट, तो 1 यही होगा सेकेंड हाईएस्ट, 529। फिर इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड, हाईएस्ट नंबर है 6 ये हो गया इधर, 6 इज डिवाइडेड बाय द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोवेस्ट हमारा ये, तो 6 तो बना जाएगा ठीक है। तो 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, 4 ऑफ देम आर कॉर्नर एंड 4 ऑफ देम आर सिटिंग middle. The one who sitting corner face inside. और ये वाले बाहर हो जाएंगे। Faces out. 2 person sit. So I is center. 2 person sit I and L. तो I इधर, L इधर आ जाएगा। फिर 1 person I and O. O is not a neighbor of L, 1 person I and O हो जाएगा इधर। फिर क्या P second to the right of O, left right इधर, ये गलत हो गया हमारा। एंड K and N are neighbors, K और N आ जाएगा इधर, K second to the right of M, K N 1 बच गया, I J बच गया ये। तो सेकेंड टू द राइट ऑफ जे बताना है, लेफ्ट राइट एम आ जाएगा। एग्जैक्टली बिटवीन के एंड एल वन काउंटेड राइट ऑफ के, एन आ जाएगा इधर। 4 टू द लेफ्ट ऑफ एल, 1, 2, 3, 4 एम, और दैट डज नॉट बिलोंग एन, एन आई ओ जे नहीं आएगा। ओ से 3rd टू द राइट ऑफ पी, 1, 2, 3 के, फिर है ओके। डोर लुक इफ ऑल द ओवल आर रिप्लेस्ड विद द लेटर इमीडिएट नेक्स्ट टू इट। डोर लुक 1, 2 एम एन ओ पी आ जाएगा इधर। पी आने के बाद एंड ऑल द कॉन्सोनेंट आर बिफोर ए बी सी, पी क्यू आई जे के एल, ए बी सी आई जे जे के ठीक है। फिर हाउ मैनी वोवल बताने हैं, इसमें एक भी नहीं है, नन ऑफ ये मैं करूँगा नहीं। 8 person सिटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल रो, ओके ऑल आर फेसिंग टू द नॉर्थ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जी से 3rd फ्रॉम वन ऑफ द एंड, जी हो गया इधर, और जी हो जाएगा इधर। ओनली 3 person ए एंड सी, ओनली 3 ए सीट, सी सीट टू द लेफ्ट ऑफ 1, 2, 3 ठीक है। एंड एटलीस्ट 3 person सीट टू द लेफ्ट ऑफ सी। ये क्या बात हुई, सी सीट टू द लेफ्ट बोला यार, सी सीट टू द लेफ्ट ऑफ ए, कम से कम 3 तो होंगे ही। तो C 1, 2, 3 ये इधर ही आएगा सिर्फ ये। और फिर क्या बोला है, DC to the immediate right of C not adjacent to 2% E and D, 1 2 E and D आ गया। D is not neighbor of B, तो B इनमें से दो जगह पे आएगा। F not adjacent to B, F बच गया तो B इधर आ जाएगा। A B C D E F G H आ गया इधर। एक्सट्रीम राइट एंड पर है A, C एंड D इंटरचेंज इमीडिएट राइट ऑफ C। F how many person sit between H and D? 1 2 3 4, more than 3. The number of people sit between A and C is same that between A और C है 3। G और D नहीं है, सी एफ ये भी नहीं है, बी एच ये भी नहीं है, एफ और ई ये है, 3 है। करेक्ट बताना है। एफ सिट एक्सट्रीम एंड, गलत। बी सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ये भी गलत। ई थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ये भी गलत। बी एडजेसेंट टू सी एंड जी, ये भी गलत। नन ऑफ दिस, सारे के सारे गलत हैं। Okay, so Suhas is standing at point A, facing towards the south. Facing south and walk 9 kilometer to reach point B. Turn to east and walk 12 kilometer to reach the point C. Turn north 15. D from D walk west and 13. 13 होगा इधर। पॉइंट ई फाइनली साउथ एंड वॉक 6 मीटर, 5 और 1 6, और इधर हो गया एफ और ये हो गया 1। पॉइंट डी इज विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी? डी बी के रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट। फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द सुहास, तो इधर हो गया 13 और इधर 25 30 40 40 और ये कितना था 40 49 55। वट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? ए और सी 9 का होगा 81, 144, 4 5 8 4 12, 225 15। देर आर 7 पीपल अटेंड द मीटिंग Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday। ठीक है, और फिर 1 person अटेंड द सेशन बिटवीन U एंड X, 3 person T एंड Y। Y अटेंड द सेशन बिफोर W। X attend the session 1 of the day after V. So T attend the session 1 of the day before Thursday। ठीक है, और फिर क्या है, no 2 person attend the session immediate before and after according to the alphabet। ठीक है, तो T इधर 1 2 3, Y T और इधर टी आ जाएगा वाई। ओके, तो फिर टी और वाई हो गया हमारा, और वाई इधर आएगा नहीं बिकॉज नीचे है डब्लू। ठीक है, तो टी वाई डब्लू इधर, और फिर है यू और एक्स। no 2 person वी अटेंड 1 ऑफ द, ये हो गया एक्स सेशन आफ्टर वी। X अटेंड आफ्टर V, तो U के आसपास इधर आएगा नहीं। तो क्या बन सकता है इसमें? X अटेंड द 1 ऑफ द सेशन आफ्टर V, P Q T U V W X Y, इतना ही है। तो ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, टी भी हो गया। अब सिर्फ 1 सेकेंड, 7 है ना, जेड भी तो है। और जेड का कहीं पे कुछ है ही नहीं। सो वाई ऊपर नीचे डब्ल्यू ये ख़त्म, बी और एक्स। अब या तो बनेगा एक्स वाई, इधर बन नहीं सकता तो इधर एक्स यू और फिर वी यू। वो कहाँ से स्टार्ट है? टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बन गया पूरा। तो फिर वाई और एक्स, वी और एक्स, ठीक है। तो हाउ मैन अटेंड बिटवीन जेड एंड डब्लू? जेड और डब्लू दो पर्सन है, पता चल जाएगा गलत है या सही है हमारा। फ्राइडे को है यू, वी अटेंड द योगा सेशन, वी मंडे को। अटेंड द सेशन आफ्टर यू, यू के बाद 1 2 करेक्ट बताना है। एक्स अटेंड द योगा ऑन वेडनेसडे, सही है। डब्लू 2 पर्सन अटेंड द योगा बिटवीन टी एंड एक्स, ये गलत है। डब्लू अटेंड संडे, ये भी सही है। सो फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, ठीक है। फिर है ये सम क्लिप्स कॉपी, सम कॉपी मैगजीन, नो मैगजीन डिक्शनरी, नो कॉपी आर डिक्शनरी, कॉपी डिक्शनरी नहीं पता। और सम कॉपी आर डिक्शनरी, कॉपी डिक्शनरी ये भी नहीं पता, आइदर और बन जाएगा ये। फिर है ओनली का केस आ गई, ओनली बी ए, ओनली फ्यू ए सी, ऑल डी आर सी। सम डी बिंग ए इज़ ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल सी बिंग ए इज़ ए पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। तो बोथ। फिर है ओनली ए फ्यू फॉक्स बॉक्स, ओनली ए फ्यू बॉक्स। डेस्क, नो डेस्क इज़ हेल्प। और सम हेल्प आर बॉक्स, सम हेल्प इज़ बॉक्स नहीं पता। सम बॉक्स फॉक्स, बॉक्स फॉक्स सही है, ओनली सेकेंड। फिर है फ्यू यानी कि सम लीवी और स्पाइक पर, ओके। ऑल, ऑल ली, ठीक है। नो ली आर मुफ्ती, ऑल मुफ्ती आर ये नहीं, ऑल ली आर लेविस नहीं, सम ली आर नोट ये भी नहीं पता। तो नन ऑफ दीज आएगा पूरे का पूरा, नाइदर वन नोट टू, ठीक है। फिर है एटलीस्ट यानी कि सम डेजी आर, और पेंसी, ओनली फ्यू पेंसी आर कॉपी। सम डेज या नोट, सम डेज या नोट ये तो नहीं पता हमें। ऑल पेंसी आर कॉपीज नहीं होगा ये भी, नाइदर नोर। ठीक है। और फिर है ये इफ़ द गिवन वर्ड आर अरेंज इन रिवर्स अल्फा, रिवर्स डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और देन द नंबर ऑफ लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट डिक्शनरी लाइज बिटवीन द सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द सेकेंड लेटर। द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन रिवर्स डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Then find the numbers of letters, ठीक है। रिवर्स में लगाना है तो फिर x हो गया u v w x, y हमारे पास है नहीं, w है, x भी है, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट। तो w हो जाएगा 23, और यहाँ से a है 1 तो 22। All the given words are arranged reverse, ओके। तो पहले आएगा ये x, फिर v, फिर n, d, c, इसका सेकंड एक्स का सेकंड है एक और सी का सेकंड है एल, L12 इसका एक। फाइंड हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन, तो 10 हो जाएंगे इसके बीच में। द सेकंड एंड द थर्ड लेटर आर इंटरचेंज एंड हाउ मैनी वर्ड्स आर फाउंड विद नोट एंड विद द वोवल। सेकेंड और थर्ड को चेंज करना है, एक सिर्फ एक है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सी डी एन बी एक्स इस तरीके से हो जाएगा। विच कम्स टू द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर, वी वाला आ जाएगा। सर्टेन पर्सन आर सिटिंग इन ए रो टू आस, ठीक है। अंकित इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 अंकित आ जाए इधर। 5 पर्सन अंकित एंड अभी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पीयू सिट इमीडिएट राइट ऑफ, इधर पीयू आ गई। and Sweta is third to the right of Piyu, first, second, third. Sweta first, second, third. Sweta इधर। 7 person are sit to the left of Sweta, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। Neha is extreme end but not immediate right of Ankit, तो नेहा इधर। और फिर क्या है, शिखा सिटिंग 8 टू द राइट ऑफ नेहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर लिख ले शिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, शिखा हो गई। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंकित, ठीक है। अनु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ शिखा, अनु इधर। and 4 person Anu and Riya, 1 2 3 4, extreme left hand पर है नेहा। how many person are sitting in a row, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, how many person are sitting between Pihu and Shika, 1 2 3, sitting immediate left of Riya, Pihu, और फिर है एक और रहेगा ये 6 person long jump, they all different distance, Q jump less than, अच्छा only one है, 1 2 3 4 5 6, Q less than only 1, R jump greater than only 2, और U jump greater than P but less than T, तो T हाईएस्ट नहीं है तो T U P, और P Q R S आ जाएगा इधर, ठीक है। सेकेंड लोवेस्ट जम्पर है U, रैंक ऑफ द T फ्रॉम द लास्ट, 1 2 3 4, U जम्प ग्रेटर देन Q S, ठीक है। तो अब करते हैं मैथ्स का 69 × 12 23, 3 आ गया, 12 3 36, 16, 6 2 12 52 आ गया। और फिर है 34 × 12, 2 2 4 2 8, 8 2 3, और यहाँ पे 17 17 51 28 9 79, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 8 48, 8 2 16, 12 13, 8 8 1 8, 8 7 56 17, और इधर है 8 9 1, फिर हो जाएगा 9 2 18, 8 2 16, 10 और 11, 216, जिसका 6 का आता है 216। और फिर है 8 4 4 16 16, 16 एंड 8, 8 6 48, 4 6 4 12, और फिर 6 2 120, 8 होता है 2 का क्यूब, और इधर 56 डिवाइड बाय √x × 30, 6720 तो 6 पर गया 2 2 4 56 इधर 4 आ जाएगा तो 1/16 45 × 2 40/24 तो यहाँ से 410 450 आ गया 19 जाएगा तो 431 8 दूनी 16 7 दूनी 14 15 और इधर से कितना आ जाएगा 2 2 8 7 178 14 3 42 प्लस 18 5 90 2 132 फिर है 8 ओके सो 8 1/3 8 3 24 25/300 1/4 4 4 4 12 1/12 होता है इसका 17 28 ही होता है 12 का क्यूब 12 1 12 कट जाएगा तो 144 आ जाएगा प्लस 7.1 इसका ध्यान नहीं मुझे बिल्कुल भी 196 7 का इसका क्या होता है भाई 144 और फिर ये तो आएगा नहीं सो 7% अगर इसका हम 1 मिनट 96 × 7 7 6 42 4 9 7 63 7 6 6 2 12 13 तो 137 इधर कितना आ जाएगा फिर ये 14 और ऐड कर देते हैं 8 5 158 196 × 14 24 2 36 37 38 और 4 और इधर कितना आ जाएगा फिर 9 अच्छा 13 14 15 16 17 7 8 लगी 1 2 तो 27 यहाँ इसको यार मैं छोड़ता हूँ इसका फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद ही नहीं आ रही बिल्कुल भी 7 कितना हो जाएगा ये 7 जो 28 1/13 या 1/14 अगर करके देखें हम 14 तो 56 14 यहाँ से 14 158 ही लगा देते हैं ठीक है ना और फिर 15 करेंगे तो 15 ही आ जाएगा 15 5 का होता है स्क्वायर 25 और 31 का 961 माइनस एक्स क्यूब 400 पूरा 400 449 और 61 था इधर 449 तो 11 में से 2 1 और 5 512 होता है 8 का ओके फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैंपल टेस्टेड नंबर ऑफ सैंपल्स हैं ये वाले ओके तो 25 3 4 4000 हो गई 4 5 6 7 7 और 5 12 13200 नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस इन लैब बी पॉजिटिव केसेस हैं ये 180 लेस देन द लैब ए 120 लेस देन ठीक है पूरा पूरा जाएगा 40%। What is the difference in number of sample tested in E tested in D 5000 हो गया the total number of positive cases 5 6 7 8 9 9 और 3 12 12 1300 हो गया और फिर 8 और 6 14 और 1 15 0 5 4 1 और 3550 व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सैंपल टेस्टेड इन डी है 210 दोस्तों द टोटल नंबर ऑफ सैंपल टेस्टेड बी एंड सी 093 137 713। ये क्या हुआ? रेशियो ऑफ द सैंपल टेस्टेड था यार, डी में कितने हैं 3000, तो द सैंपल टेस्टेड बी और सी 2700 10:9। व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिजल्ट? ठीक है, तो टोटल थे हमारे, टोटल पता नहीं कितने थे, 2500 है ये, ठीक है, और 10,200 कुछ था क्या, चलो छोड़ो, 2 3 4 4 3 7 5 12 13,200 ये था। ओके, 2 से 2 ये कट हो जाएगा इधर, और इसका परसेंटेज निकालना है हमें, तो 1319 कुछ आएगा, 1819 है क्या, 20 है, लेकिन ये तो पूरा लैब ए 2500 तो 4 और 3 7 5 12 13,200 सैंपल पॉजिटिव। अरे यार शिट, क्या ही निकालने जा रहा हूँ मैं। 300 बटे 2500 जीरो ये गए और 4 4 8 4 12 आएगा, कुछ भी निकाल लो। ठीक है, तो इसको स्किप करेंगे। इंटू 0.5 इंटू 1 फिर इंटू टू करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 चौक 64, तो 16 ही आएगा। और इधर मैं क्या करें, इधर इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 प्लस 0.5 इंटू 2 प्लस 0.5 फिर इंटू 4 प्लस 0.5 20 तो ये तो है ही नहीं। इंटू 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 15 और 1 16 है, 16 आएगा फिर। ओके, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 और 1 9 फिर 12 हो जाएगा, 68 70 80 इंटू 0.5 इंटू 1 फिर इंटू 2 4 और इधर डैश डैश और फिर है 12 और 13 14 15 प्लस 15 हो रहा है, फिर प्लस 20 फिर प्लस 6 और 2 26 5 6 4 करेंगे तो 11 फिर 3 करेंगे तो 8 ऐड कर दिया तो 31 बनना चाहिए था। दोबारा देखते हैं, 12 12 13 14 15 15 प्लस 20 प्लस 8 में से इधर 5, हाँ 5 5 का गैप है 10, 5 और ऐड कर देंगे तो 28 आएगा। तो ये है द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इन वीकेंड, नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इन वीकेंड पर इतने नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इन वीकेंड। ये क्या बात है? नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इन वीकडेज, ओके वीकेंड पर इतने। द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग पार्क CDF ऑन वीकेंड, तो C D और F इनका निकालना है, तो 7 16 17 18 19 20 21 22 2 3 3 6 7 8 और 3 4 3 7 तो ये आगे इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग BCF ऑन वीकडेज। BC 7 और 5 12 6 और 1 7 5 और F में है 3 6 3 5 6 में 12 13 9 9 3 5 के इंटू में 0 2 0 ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 7 तो और फिर यहाँ से अगर 0 2 दूनी 4 8 दूनी 16 7 दिन 14 1 15 187 तो 5 गड़बड़ हो गया। नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग CDF ऑन वीकेंड पर CD और F का देखना था यार। CD F ऑन वीकेंड 9 और 6 16 3 और 1 4 2 और 2 4 309 15 5 7 डिवाइड बाय 935 × 100 तो 1 5 1 और यहाँ से 187 151 00 187 फिर भी गड़बड़ी आ रहा है मेरा तो। नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग 755 हो गए। वॉट परसेंट ऑफ B एंड C 7 और 5 12 6 और 1 7 5 और फिर F 3 6 3 5 6 दिन बाद 13 935 1 2 5 और फिर यहाँ से कितना आना चाहिए 1 9 का 1 और 4 3 4 4 8 3 5 7 1 5 1 00 1 8 7 तो यहाँ से कितने पर जाएगा ये 187 जो है 6 नहीं 7 1 8 8 और 7 56 5 8 8 64 9 6 8 और 6 14 तो ये आ गया 8 पर जाएगा 1510 14 आ गया 0 80 पॉइंट। नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इन द पार्क C and D इन वीकेंड C and D तो 9 16 3 4 16 6 4 और 4 4 इधर आ जाएगा ठीक है। इस बार परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पीपल A और D ऑन वीक डेज A and D तो यहाँ से हो जाए 200 300 320 6 2 2 1 320 × 0 5 ये आ गया 16 और इधर 8 आ जाएगा और 6 3 5 3 15 1 6 5 30 31 8 8 3 24 24 8 4 32 40 39 के आसपास। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस नंबर ऑफ पीपल विद इन B C D and F वीक डेज B C D 7 17 1 9 10 6 16 1 3 3 6 और 1 7 और F में 3 6 3 0 6 2 12 13 और 10 और 11 एक तो ये हो गया। और A C 9 2 4 A C E F वीकेंड ही है ना हाँ 9 6 15 4 6 14 6 और 1 7 10 1074 तो 30 यहाँ से 26 यहाँ से 56। वट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग पार्क A C D वीकडेज A C ये कितना हो जाएगा 350 360 370 470 A C and D 195 5 7 16 5 6 ठीक है। एंड A B and F वीकेंड A B 6 5 3 और F में है 309 और यहाँ से जब 15 6 1:1 आ गया। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पार्क E F and A वीकेंड E F वीकेंड पर तो ये हो जाएगा 15 5 3 4 6 5 और फिर 5 8 27 28 चौरासी 285 ठीक है। टोटल एज ऑफ दिस आर्यन एंड ब्रिजेश is 10 year more than the total age of ब्रिजेश and चेतन। ब्रिजेश से ब्रिजेश कट गया और आर्यन और चेतन का डिफरेंस आ गया 10 ठीक है। चेतन इज हाउ मैनी ईयर्स यंगर देन आर्यन 10। The salary of Pawan and Chandan 3:5 the salary is increased by 4,500 then the new ratio becomes 7 and 9 तो यहाँ से चार 2 तो 4 की वैल्यू है 4,500। इनिशियल सैलरी बतानी है चंदन की और 4 × 5 1 1025 25 पंजे 125 तो 1 5 और 1 6 5 56 दोबारा निकाल 5 पंजे 25 2 5 10 11 12 1 5 6 5 56 ही आएगा भाई। और फिर है द स्पीड ऑफ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज दिस इफ अ मैन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द रेलवे लाइन हाउ मच टाइम टू क्रॉस द प्रोवाइड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज टू इज मैन प्रोवाइडेड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाय तो ट्रेन की होगी 45 5/18 इक्वल्स टू 100 मीटर में टाइम बताना है तो 1 5 6 5 3 2 25 4 4 दूनी 8 सेकेंड लगेंगी। ठीक है। प्रथमेश बोरोड सर्टेन अमाउंट ऑफ समान गुरुराज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन द सम ऑफ 2 ईयर 4% तो 4 दूनी 8 और 4 16 0.16 की वैल्यू है 1 तो 0.16 × 100 1 की वैल्यू आ गई ये सम बताना है हमें 00 ठीक है 4 4 पे गया 25 25 625 आ जाएगा। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ फोर अर्निंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली one member passes away and the average of the 43500 into 4 ठीक है 0 0 5 के 20 2 4 12 13 14 1 7 28 और 1 29 और 1 passes and the monthly average income is 6 5 3 1 2 3 5 3 15 1 6 5 30 और 1 31 ये क्या बात हुई। वन टू थ्री 5 3 15 1 6 6 3 18 और 1 19 आएगा ना इधर वही मैं सोचूं 0 14 में से 9 और यहाँ पे आ जाएगा 28 8 और 1 9 99 एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द ट्रेन ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इतना एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज फाइंड द यार इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा तो ध्यान नहीं है छोड़ो। इन डाउन स्ट्रीम अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर्स U+V × 2 तो U+V आ गया 16 प्लस V फिर क्या बोल रहा है स्टिल वाटर बोट ऑफ द स्पीड ऑफ बोट तो U दे दिया 12 V हो जाएगा 4 and how much boat will cover the same distance how much time will the boat take to cover the same distance in upstream तो 32 upstream में कितना हो जाएगा 8 4 घंटे लेगी। in a village election, a candidate who got 25% of total vote polled was defeated Assuming there are two candidates, so candidate who 25% लोग पूरे 25 मिले और इधर मिले इधर 53 1 की वैल्यू 700 हो जाएगा। 2 pipes will take to fill the tank, 130 and second 40, 120, 4 3 and the waste pipe भी लगा हुआ है जो कि 60, ठीक है। इधर 3, इधर माइनस का 2, ऑल पाइप आर ओपन, तो 2 3 2 5 24 घंटे लग जाएंगे। Joy and Mary can do a piece of work 30 39, तो 39 हो गया 3 1। If they started alternative in how many days will it complete? तो 2 दिन में 4 काम करेंगे, ठीक है। तो इसको जो स्टार 1 सेकेंड इधर 3 आ गया, इसका 1 आया। जो स्टार्ट करता है 3 से, 3 हो गया 1 दिन में 3, 2 दिन में 4, फिर 36 तक कर लेगा ये, ठीक है। ऐसे ही इंटू में 9 इंटू 9, 9 दूनी 18 और 1 19 दिन में कर लेंगे पूरा। वैसो कंटेन 120 लीटर ऑफ स्प्राइट एंड वाटर 7:5, तो 70 और 50 हो जाएगा। इन लीटर हाउ मच लीटर ऑफ द शुड बी रिप्लेस बाय द स्प्राइट से रिप्लेस तो स्प्राइट प्लस एक्स 5:3 इंटू 3 और इंटू 5 7 21, 5 पंजे 25, 5 दिए 15 और 5 दिए 15, 30 40 40 120, 30 आ गया और 4 दिए 12, ठीक है। राम मार्क द प्राइस है द 25% मोर, तो CP इतना है, MP हो गया 125 एंड गिव 10% डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो SP कितना हो जाएगा ये 12.5 का देने बाद 112 ये आ गया। फाइंड द प्राइस, पोस्ट प्राइसेस, तो 1 की वैल्यू आ गई 50, ये निकालनी 50 से मल्टीप्लाई, इसको खत्म। 5 पंजे 25, 2, 5 दूनी 10, 11 12, 1 5 और 1 6, 56 25, ठीक है। और फिर है राम विपिन राजू बिजनेस करते हैं, तो 7 8 एंड 9। राम गेट 28% ऑफ द टोटल एनुअल इनकम एंड रिमेनिंग बांट दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया 15 15 और 24 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 24 का ये ले लेते हैं हम पूरा, तो इस 24 का 28 तो है ही। 28 के बाद कितना बच गया 72% हमारा बच गया। टोटल एनुअल इनकम एंड राम गेट 28%, अच्छा ठीक है। तो फिर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द राम गेट 200 लेस देन, ये हो गया 17 और 10 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 20 आ गई। फाइंड द टोटल प्रॉफिट, ये वाला कुछ नहीं हुआ भाई, ये नहीं हुआ। तो ये देखते हैं 2 U, 3 2 5 आ गया T, फिर I, एक दो तीन चार पाँच छः सात को क्या बन रहा है इसका TIO यूनिट नहीं, यूनिट तो नहीं बनेगा, एन नहीं है ना। तीन क्वेश्चन तो रह ही गए। ठीक है, ये अर्थमेटिक वाले इनको देखूंगा यार मैं दोबारा, फॉर्मूला दोबारा से देखना पड़ेगा। अरे परसेंटाइल देख रहे हो गाइस, कितनी ज़्यादा मेरी एक्यूरेसी ख़राब हो जा रही है क्या ही बोलूँ बस मैं। भयंकर वाली परसेंट अच्छा खासा होना था, लेकिन पता नहीं कहाँ छोटी छोटी मैं गलतियाँ किए जा रहा हूँ बार बार। सो यही था गाइस, ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।